पंजाब नेशनल बैंक द्वारा हमीर होटल में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एडीसी रूपाली ठाकुर ने की। बैठक में पहली तिमाही की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर पीएनबी बैंक की तमाम शाखाओं के सदस्यों ने भाग लिया और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर पीएनबी मंडल प्रमुख सुबोध काला ने बताया कि सीडी अनुपात को बढ़ाने के उद्देश्य से आज बैठक का आयोजन किया गया और इस पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मुद्रा योजना द्वारा अधिक से अधिक लोगों को बैंक द्वारा जोड़ने की बात कही। एलआरसी जो हमने जून क्वार्टर का जो रिव्यू किया है, इसमें हमारा मेन मुद्दा था डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में सीडी रेशो को इम्प्रूव करना। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जो सीडी रेशो है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हमारा 20.55% आई है, जिसका लक्ष्य है कि हम इसे कम से कम 24% तक लेकर जाएं। आज की जो हमारी बैठक के अंदर डिसाइड ये किया गया कि हमने दो सब कमेटीज बनाई है, जिसमें बैंकर्स के साथ साथ स्टेट डिपार्टमेंट्स को भी ज्वाइन करवाया है। फोकस रहेगा कि हमारा जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर एग्रीकल्चर, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोन करें और सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हमारी ये रहेगी कि मुद्रा और स्टैंडअप इंडिया के अंदर फोकस किया जाए, जिसे यहाँ प्रदेश की महिलाओं के लिए और SC ST सेक्टर को एक बूस्टअप मिलेगा। सभी बैंकर्स से यही रिक्वेस्ट की गई है कि मिशन मोड में काम करेंगे और जो आने वाला क्वार्टर है, जो हमारा सितंबर क्वार्टर खत्म होने वाला है, इसके अंदर जो हमारी परफॉर्मेंस है वो सीडी रेशो हमारी कम से कम निकलकर 22% से ऊपर आए। यही हमारा इस टाइम बहुत ही जो मेन टॉपिक है और मेन कंसर्न भी सभी बैंकर्स और स्टेट गवर्नमेंट के लिए यही है, क्योंकि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की सीडी रेशो पूरे प्रदेश के अंदर सबसे लो है। बाकी जो हमारे सभी बैंकर्स को यहाँ पर अर्ज फोन किया गया कि आप लोग अपने डिपॉजिट एडवांसेस, कस्टमर सर्विस और गवर्नमेंट स्कीम्स को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें, एंश्योर करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन स्पीक्स में भागीदारी बने और अधिक से लोग बैंकों की सुविधाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके, यही हमारा आज का प्रयास था। मोटिवेट बैंकों ने अपने मार्केटिंग और दूसरे सोशल मैसेजेस के थ्रू मुद्रा और स्टैंडअप को प्रमोट किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने 40 ब्रांचों के द्वारा कम से कम 37 करोड़ के लोन हमने इस क्वार्टर में दे चुके हैं। हमारा प्रयास है कि हमने जो इस टारगेट को 50 करोड़ तक लेके जाना है, हर घर के अंदर एक लोन, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे मुद्रा का हो या स्टैंडअप का हो, ये प्रमोट करने जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा वुमेन शक्ति, वुमेन पावर को, एम्पावरमेंट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए एक एक लोन स्टैंडअप का हर ब्रांच के थ्रू हम कराने जा रहे हैं। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हमारी जो मार्केटिंग टीम है वो इन लोन्स के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करें और एंश्योर ये करें कि जिन लोगों को भी हमने अभी तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पाए उनको उद्योगों के साथ जोड़ा जाए और उसी के साथ ही मुद्रा के साथ ज्यादा प्रयास किया। एक शिमला में अर्जेंट मीटिंग थी, वो उन्होंने इलेक्शन के ऊपर थी, ADC मैडम ने आज ये मीटिंग ज्वाइन करी थी, वो यहाँ आई हुई थी और वो भी क्योंकि काफी देर तक हमारी मीटिंग में उन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद उनकी एक और मीटिंग आगे लाइनअप थी वो बीच में चली गई थी, पर उन्होंने उनका जो मैसेज है दैट हैज बीन प्रॉपरली कन्वेड टू हाउस को हमने कन्वे कर दिया है और जो कंसर्न थी उस चीज से भी उन सबको अवगत करा दिया।